क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें बोल रहा है कि तीन टीम्स है, क्रिकेट की टीम है, हॉकी की टीम है, फुटबॉल की टीम है, और उसमें कुछ कुछ बच्चे बांट दिए गए हैं। तो अपन ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? अपन ऐसे क्वेश्चंस करते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है? वेन डायग्राम में मैंने ये बनाया यूनिवर्सल सेट, उसके बाद ये हो गया अपना प्यारा सा क्रिकेट का सर्कल, ये हो गया हॉकी का सर्कल, ये हो गया फुटबॉल का सर्कल, ठीक है? नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा क्रिकेट का सर्कल, ये हो जाएगा फुटबॉल का सर्कल, ये हो जाएगा हॉकी का सर्कल। सबको नाम दे देते हैं, ए बी सी, ये बीच वाला डी, ये ई, ये एफ और ये जी, ठीक है? अब क्वेश्चन के हिसाब से क्रिकेट टीम में 21 लोग हैं, और अपने हिसाब से क्रिकेट टीम में कौन से लोग हैं? अपने हिसाब से जो लोग हैं क्रिकेट टीम में वो है ए प्लस डी प्लस जी और प्लस एफ। इतने सारे लोग, अब ये क्वेश्चन के हिसाब से 21 लोग हैं क्रिकेट टीम में, ये अपने हिसाब से, ठीक है? ये तो हो गया क्रिकेट का। ऐसे अपन फुटबॉल का निकालेंगे, फिर अपन हॉकी का निकालेंगे। पहले हॉकी का निकालते हैं, तो हॉकी में कितने लोग हैं अपने हिसाब से? कौन कौन है हॉकी में? अपने हिसाब से है ई प्लस एफ प्लस सी प्लस जी, और क्वेश्चन के हिसाब से हॉकी में कितने लोग हैं? 26 लोग हैं हॉकी में। ऐसे ही अपन फुटबॉल का निकालते हैं, फुटबॉल तो क्वेश्चन के हिसाब से 29 लोग हैं, और अपने हिसाब से कौन कौन है फुटबॉल में? अपने हिसाब से है बी प्लस ई प्लस डी प्लस जी, ठीक है? ऐसे हमारे पास ऐसे आ गए 3 इक्वेशन। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि 14 लोग ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो हॉकी और क्रिकेट में 14 लोग हैं, क्वेश्चन के हिसाब से अपने हिसाब से देखते हैं, ऐसा जो इन दोनों सर्कल में आ रहा हो, मतलब ऐसा जो इन दो सर्कल में आ रहा हो वो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलता है, इसका मतलब है। तो इन दोनों सर्कल में कौन से आ रहे हैं? एक एफ आ रहा है और एक जी आ रहा है। तो एफ प्लस जी ये हो जाएंगे हॉकी एंड क्रिकेट वाले। ऐसे ही हॉकी और क्रिकेट का हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, 15 लोग क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो 15 इज इक्वल टू हॉकी और फुटबॉल, इसमें कौन कौन है? जी और ई, जी प्लस ई ये हो जाएगा हॉकी एंड फुटबॉल। फिर क्या है, फिर है 12 लोग जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं अपने हिसाब से, मतलब इसमें इन दो सर्कल में कौन कौन है कॉमन? डी और जी। तो 12 इज इक्वल टू डी प्लस जी, ये कौन से हो गए? ये हो गए फुटबॉल और क्रिकेट वाले, ठीक है? अब अपन को एक और बात बोली गई है कि 8 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। ऐसा कौन सा है जो इसमें तीनों सर्कल में आ रहा हो? जो जी है ना, वो देखो तीनों सर्कल में आ रहा है, इस सर्कल में भी आ रहा है, इस सर्कल में भी आ रहा है और इस सर्कल में भी आ रहा है। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। अब हम जी की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे पहले, फिर अपन जी की वैल्यू को इस वाली में पुट कर देंगे, और फिर अपन जी की वैल्यू को इस वाली में पुट कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे आप देखो एफ ई और डी की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 14 माइनस 8, जो कि किसके बराबर होती है? 6 के। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, 15 इज इक्वल टू ई प्लस 8, यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। यहाँ पे होगा 12 इज इक्वल टू डी प्लस 8, और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। सिंपल है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एबीसी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, अपन को टोटल मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक टीम्स निकालने हैं। तो टोटल मेंबर मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो अपन को इन सबको ऐड करना है जिससे अपन को टोटल मेंबर्स मिल जाए। तो पहले क्रिकेट वाली का जो इक्वेशन थी वो क्या थी, क्रिकेट वाली जो इक्वेशन थी वो थी ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ इज इक्वल टू 21। तो ए की वैल्यू तो अपन को फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू जरूर अपन को पता है 4 है, जी की वैल्यू अपन को पता है पहले से 8 है, और एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है 7। तो ये हो जाएगा 21। तो यहां से आ जाएगा ए प्लस 21, एक मिनट, 8 और 12 और 12 प्लस 7 21 ही होता है, इज इक्वल टू 21। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई, 0। सॉरी 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 बेटा, एक गड़बड़ कर दी मैंने, एफ की वैल्यू अपनी 6 आई थी ना कि 7। तो यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, ए की वैल्यू आ गई 1। फिर
क्रिकेट का अपन फुटबॉल वाली देखते हैं, फुटबॉल वाली इक्वेशन क्या थी? फुटबॉल वाली इक्वेशन थी बीईडी जी, तो बी प्लस ई प्लस डी प्लस जी इज इक्वल्स टू 29। बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ई की वैल्यू 7 है, टी की वैल्यू 4 है और जी की वैल्यू 8 है, इज इक्वल्स टू 29। 8 + 4 12, 12 + 7 21, बी हो जाएगा 29 - 21 इज इक्वल्स टू 8। फुटबॉल का हॉकी की हॉकी वाली देखते हैं, हॉकी वाली इक्वेशन क्या थी? हॉकी वाली इक्वेशन थी, कहाँ गई हॉकी वाली? ये रही ई एफ जी एच, सॉरी सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे अपन को सी फाइंड आउट करना है। ई की वैल्यू अपन को पता है क्या है, ई की वैल्यू 7 है, एफ की वैल्यू 6 है और जी की जी है यहाँ पे, और जी की वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू जाएगा 26। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 8 और 6 होता है 14, 14 और 7 21, 26 - 21 इज इक्वल टू 5। तो टोटल मेंबर्स ऑफ एथलेटिक टीम्स क्या हो जाएंगे, टोटल मेंबर टोटल अगर अपन करें तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो ए की वैल्यू क्या आई थी अपनी, अभी देखते हैं ऊपर आके, ए की वैल्यू 1 है, प्लस बी की वैल्यू 8 है, प्लस सी की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 4 है, ई की वैल्यू 7 है, शायद चेक कर ले रहे हैं, ई की वैल्यू 7 है, एफ की वैल्यू 6 है और जी की वैल्यू 8 है। इन सबको अगर अपन ऐड करें तो क्या होगा, 8 9, 9 + 5 14, 14 + 4 18, 18 + 7, 18 + 7 कितना होता है 25, 25 + 6 31, 39, 39 आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, ये 18 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अगर यहाँ 3 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, अगर यहाँ 3 हो जाएगा तो हमारा आंसर, और मैंने एक और गड़बड़ क्या कर दी, यहाँ पे ये 19 होगा ना कि 21, तो यहाँ पे ये 11 आ जाएगा। सॉरी बेटा, 11 नहीं, सॉरी 10 आ जाएगा। सॉरी मैं बहुत गलतियां कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी। तो ये यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ का ओवरऑल सम आ जाएगा 43। 43 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा।